हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वेदी ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता माताओं से विदा मांगने के बाद फिर वो राजा दशरथ के पास चले जाते हैं। उनको जाते समय रास्ते में सब स्त्री पुरुष नर नारी सब देखते हैं और बहुत मन में दुखी होते हैं कि बनता काम बिगड़ गया और अब क्या होगा। बड़े दुखी होते हैं और दशरथ जी के पास आ जाते हैं। कहे ही परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात भिखारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हुमा की मधुचीने। बिकल मन हुमा की मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां हो जाती हैं। करमिंजहि सिरु धुनि पचिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई बिसादु अपारा। बरनी न जाई बिसादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ लगी है। अपार विषाद, अपार दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब इतने दुखी हैं। सचिव उठाई राम बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिए समेत तो तन निहारी, व्याकुल भयऊं भूमि पति भारी। व्याकुल भयऊं भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठा दिया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। भारे बार सने बस राम ले उर लाई, राम ले उर लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह वश बारंबार उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। सकैन बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप बस रहा है। तब रघुनाथ जी के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आये सुमोहि दीजे, हरस समय विस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक न करें। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है और निंदा होती है।
सुनी सने बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति कही बाही सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं राम चराचर नायक अहीं राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाही पकड़ ली उन्हें बैठा लिया और कहा कि हे तात सुनो तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फलु हृदय बिचारी करहु जो कर्म पाम फल सोई निगम नीति असि कहु सब कोई निगम नीति असि कहु सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं जो कर्म करता है वही फल पाता है ऐसी वेद की नीति है यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधु को और पाव फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है उसे जानने योग जगत में कोई नहीं है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छलु त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जाने जाएंगे वे यहाँ पर रुकेंगे नहीं ये जान पड़ गए हैं तो कहते हैं तब नपसिए लाई उरलीनी अति अति बहुत भांति सिख दीनी कही बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समझाए सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े ही प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी वन के दुख सुख कहे सुनाए फिर सास ससुर था माता पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा घरु न सुगम बनु बिस्मु न लागा औरउ सब ही सिय समुझाई कही कही बिपिन बिपित अधिकाई कही कही बिपिन बिपित अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था इसलिए उन्होंने घर अच्छा नहीं लगा और वे वन भयानक लगा फिर भी और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया पर सीता जी बिल्कुल ना समझी सीता जी को श्री राम जी के अंदर प्रेम जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ है और वो उसके बिना नहीं रहना चाहती है। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहें मृदु भानी तुम कहूँ तो न दीन बन बासु करहूँ जो कहें ससुर गुर सासु करहूँ जो कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है तो तुम काहे के लिए जाती हो इसलिए जो ससुर सास ससुर गुर और सास कहें तुम वही करो वही बात मानो। सिख तितली हित मधुर मृदु
सुनी सी तही सोहानी। शरद चंद चंदनी लगत जनु चकैया कुलानी, जनु चकैया नुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लग रही है। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीए सकुच बस उतरु न दे, सो सुनी तमकी उठी के कई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से क्या कहती हैं, छल भरी कोमल वाणी से क्या कहती हैं, नप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह ने छाड़ ही भीरा। ठकुरत जुस जु पर लोकु न साऊं, तुम ही जान बन कह ही न काहूं, तुम ही जान बन कह ही न काहूं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ये थे केकई के छल भरे विनय वाणी। अस बिचारी सोई करहु जो फावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपे ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया है, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लग रहे थे। अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा दशरथ जी केकई की बातें सुनकर कहते हैं कि अब भी मेरे इतनी सुनने के बाद भी मेरे ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। लोग बिकल मूरछित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझ न काहु। राम तुरत मनि भेष बनाई, चले जनक जन जीनी सिर नाही, चले जनक जन नि सिर नाही। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े, लोग व्याकुल हो गए। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वे क्या करें, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए, क्योंकि उन्हें समझ गए कि मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा पिता धीर ही रहेंगे, पिता को दुख रहेगा, इसलिए मैं चल देता हूँ।